सीमेंट वर्क लिमिटेड ACC के कर्मचारी हरिदास मौजे की ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। शव का पोस्टमार्टम के बाद कर्मचारियों ने मृतक के आश्रित को नौकरी पर रखे जाने के लिए अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई लिखित जवाब नहीं मिलने से कर्मचारियों ने फैक्ट्री के सामने शव रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस बीच कांग्रेस के शहर अध्यक्ष राजू रेड्डी, रोशन पचारे, पवन अगदारी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव सुरेश पाइकराब मौके पर बने हुए हैं। उनकी मैनेजमेंट से वार्ता की कोशिश जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ACC के स्थायी कर्मचारी हरिदास मौजे बुधवार सुबह 7 बजे के आसपास दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने कर्मचारी को मिलने वाली 27 लाख की कंपनसेशन छोड़ 15 लाख रुपए और आश्रित को नौकरी देने की मांग करने लगे। इस बीच कर्मचारियों की फैक्ट्री के प्रबंधन के साथ वार्ता भी हुई। कर्मचारी को मिलने वाली कंपनसेशन 27 लाख और कंपनी की ओर से 10 लाख रुपए, कुल मिलाकर 37 लाख और एक आश्रित को नौकरी के लिए कंपनी के प्रबंधन ने समझौता भी हुआ, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने लिखित में आश्वासन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कंपनी के कर्मचारियों ने गेट के सामने शव रख कर अपनी मांग करते नजर आए। इस तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करने हेतु मौके पर पुलिस और दंगल नियंत्रण दल मौजूद है। गुगुस से BCN न्यूज के लिए सदन बाबू रेनकुंटा की रिपोर्ट।